थाली और चम्मच बजा दी। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं नीलम आपके साथ। और फ्रेंड आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं, मैं बताती हूँ, यहाँ पे लड्डू गोपाल की अच्छी ड्रेसेस नहीं मिलती हैं। तो ये देखिए, आज जन्माष्टमी पे मैंने उनको बनाने के लिए ये ऑनलाइन से खरीदी है। तो अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी ऑनलाइन पर, लेकिन ड्रेस अच्छी मिल गई मुझे, उस बात की बहुत अच्छा लगा। पगड़ी है इसके साथ और ये इनका पोशाक है पूरी। और ये ड्रेस अभी जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये गाजियाबाद गए हैं शुभम को छोड़ने के लिए, तो वहाँ से ये दो ड्रेस लेके आए हैं। थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा फिटिंग कर लूँगी। और ये मैंने यहीं लोकल मार्केट से लिए हैं इनके नेकलेस वगैरह। तो वैसे मैं सोच रही थी जैसे मिल जाए, वो चीज़ नहीं मिली। तो आप लोग जानते हैं, तो बस मैं जन्माष्टमी पर कान्हा जी को सुबह ही, मतलब एकदम प्रॉपर उनको नया ड्रेस, नई ज्वेलरी और पूरा सिंगार उनका नया कर देती हूँ। तो जो मोर मुकुट था ना, जिसमें मोर भी लगा हुआ था, वो मैंने लगाया था, लेकिन वो बार बार गिर रहा था। तो फिर मैंने इनकी पगड़ी लगा दी थी, तो ये बार बार गिर रहा था। तो मैं सोचा इससे अच्छा तो मैं पगड़ी लगा देती हूँ। तो पगड़ी में कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल गोलू मोलू से लग रहे थे, प्यारे से। तो देखिए, आप भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। बाकी मैंने इनको ना साइड में ही, मतलब एक मेज पे ही इस तरह से चौकी लगाई है। और क्योंकि ये मंदिर पूजा वाले रूम में इतना स्पेस नहीं है, तो मैं शाम को कीर्तन भी सोच रही हूँ करवाने का। बाकी मैंने कान्हा जी को भोग में जो पंजी वो बनाई थी, जो मिठाई वो बन दिया है, फल दिया है, माखन का भोग लगाया है सुबह, और कुछ मिश्री और किशमिश का भी भोग लगाया है। तो और दिन तो मैं जैसे एक ही चीज़ का भोग लगाती हूँ, आज थोड़ा सा स्पेशल था तो मैंने दो तीन चीज़ों का भोग लगा दिया। बाकी मंदिर में अपनी जो नॉर्मल पूजा है वो सब कर ली है। और मैंने रात में 8 बजे से कीर्तन भी रखा है घर में, तो मैं उसकी भी तैयारी करूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो वॉच करिएगा। तो ये रूम में आप देखते होंगे, यहाँ पे मैंने दोनों तख्त को मिला के डबल बेड बना रखा था। तो अब मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया है तख्त को, क्योंकि यहाँ बीच में स्पेस भी मिल जाएगा बैठने के लिए। और एक तख्त पर मैं सोच रही हूँ यहीं पर चौकी लगा दूँ कान्हा जी की, झूले की, तो वो भी मैं डेकोरेशन करूँगी अभी उसकी। तो इधर मैं बना रही हूँ पेड़ा, तो पेड़ा जो है ना मैं बना नहीं पाई थी, बाकी और मिठाइयाँ तो मेरी बन गई हैं। तो ये पेड़ा मैं आज बना रही हूँ। तो इसमें मैंने जब खोआ लगभग, मतलब 80% मतलब भुन जाता है, तब उसमें चीनी डाल दी, और फिर थोड़ा सा मैंने उसके बाद नारियल डाल दिया है, नारियल का जो सूखा बरूदा आता है वो डाल दिया। और इसको खोआ एकदम मैं सुखा लूँगी इस बैटर को अच्छे से, जब ये काफ़ी सूख जाएगा तब इसको मैंने नीचे, मतलब गैस बंद करके, फिर मैं नीचे उतारने के बाद भी इसको चलाते रहेंगे और ठंडा करते रहेंगे। उसके बाद ये देखिए एकदम से गाढ़ा हो गया है, मतलब अब ये, तो उसके बाद मैं घी लगा के कढ़ाई थाली में और इसको फैला दूँगी। तो पता है, इसको मैं फैला रही हूँ, पहले तो मैं सोची थी मैं पेड़ा बनाऊँगी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, मुझे उधर रूम भी खाली करना था, मंदिर को भी सजाना था, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं पेड़ा ना बना के इसके थाली में पीसेस करके काट कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह की फ्रेंड ने मिल के मेरे साथ बहुत हेल्प कराई। अभी साड़ी बीच में कर दो, है ना? हाँ बेटा, बीच में करके, और बस अब इसमें वो खड़े होने के लिए जगह हो जाएगी। दिख रहे हो तीनों? तो इधर बच्चों ने बहुत हेल्प कराई मेरी, और मैं इधर अपना खाना भी तैयार कर रही थी रात के लिए, क्योंकि फिर अभी टाइम हो रहा था 6:30 बजे का, और 8 बजे का मैंने कीर्तन रखा हुआ है। जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। तो इधर कान्हा जी के भजन भी चल रहे थे और बच्चे काम कर रहे थे, मैं खाना बना रही थी, मतलब इतना अच्छा माहौल लग रहा था ना घर का। और देखिए फिर मंदिर जो सच की तैयार हुआ ना पूरी, उनकी चौकी जो सजी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और झूले के लिए जो मैं चाह रही थी, मतलब उस पर डेकोरेट करने के लिए, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में मुझे क्या हुआ कि मैंने वो गोटा जो लगाया था उसी पर मिरर लगवाने पड़े मुझे, और जो मोर पंख भी मैंने यहाँ नहीं मिले थे, ये गाजियाबाद से आए हैं तो वहीं से लेके आए हैं अपने साथ।
मैं सूबी से ही बोल रही थी कि बेटा वो जो हवा बैलून फुलाने वाला पंप आता है वो ले लो, लेकिन नहीं, वो बैठ के आराम से अपना बैलून फुला रही थी। तो चलिए फाइनली हमारी डेकोरेशन हुई पूरी कंप्लीट। कान्हा जी की चौकी, झूला, हमने सब कुछ लगा दिया है बहुत अच्छे से, और बच्चों ने बहुत मेहनत की इसको सजाने में। तो चलिए मंदिर रेडी हुआ और साथ में मैं भी हो गई रेडी, और बच गए हैं 8। तो मैंने पहनी है स्कर्ट और ये ऊपर ब्लाउज़ डाला है मैंने, और इस पर मैं रेड दुपट्टा ले लूँगी। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा पूजा भी कर लेती हूँ घर में भी, धूप वगैरह जला देती हूँ। तो मैंने पूरे घर में धूप वगैरह जला के पूरे घर में ही मतलब दिखा दिया था, तो बहुत अच्छा गाने चल रहे थे और धूप वगैरह दिखा दी थी घर में, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे नवरात्रे होते हैं, जन्माष्टमी होती है, इनमें चाहे छोटा ही कीर्तन करें लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कीर्तन करवाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सब लोग चले गए हैं, तो कुछ को अपने घर में भी पूजा वगैरह करनी थी और कुछ को मंदिर वगैरह जाना था। तो सब लोग जाने के बाद फिर मैंने अपनी भी कान्हा जी के लिए, जैसे उनके लिए भोग थाली वगैरह सब लगाई और दीपक वगैरह तैयार किए। तो अब हो गया है टाइम, रात के 12 बज गए हैं, और अब मैं कान्हा जी को स्नान वगैरह कराऊँगी। तो सुबह का और रात का स्नान मैं मतलब पांचों वो चीज़ों से करती हूँ, दूध से, दही से, शहद से, बूरा से, घी से। तो ये पांच चीज़ों का स्नान मैंने कराया, सुबह भी कराया था, और अब मैंने इस टाइम भी इनको वही पांच चीज़ों से स्नान करा दूँगी, और फिर इनको कोई हल्के वस्त्र पहना देंगे ताकि रात को इनको सोने में भी मतलब कम्फर्टेबल रहे। तो इसलिए फिर मैंने इनका स्नान करा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत मतलब पूरे दिन का मैंने थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप में आप लोग को दिखाया कि मैंने किस तरह से जन्माष्टमी मनाई। तो बाकी आप लोग भी कमेंट्स में बताइए आप लोग किस तरह से मनाते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें एक दूसरे से पता चलती हैं, हो सकता है मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर तो मैं तो जो भी फल होता है, जो मिठाइयाँ, पंजीरी, जो भी मैं बनाई हूँ, पेड़े वगैरह, वो मैं सब चीज़ का भोग लगाती हूँ। और जो मैंने खाना भी बनाया है, जो व्रत में हम खाते हैं, जो बिना लहसुन प्याज के जो भी खाना बनता है, वो सब चीज़ों का मैं भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। तो चलिए फ्रेंड्स, और जैसे छोटी मोटी की नवरात्रि हुए और जैसे जन्माष्टमी पर अगर हम 2 घंटे का छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए हमने ईश्वर का बैठ के 2 घंटे नाम लिया, प्रभु का ध्यान किया। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय श्री कृष्णा।